हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूं सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूं। वीडियो करता हूं लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। इस वीडियो को डेफिनेटली आप पसंद करने वाले हो, काम को सराहना करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई कैसी लगी आपको ये बाइक, कैसा लग रहा है ये काम जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपको प्रॉपर में डिटेल दिखाने वाला हूँ, एस टू एस चेक करने वाला हूँ और बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज को दिखाने वाला हूँ कि बाइक में जो काम हुआ है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, बाइक कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। अब बढ़ते हैं बाइक की डिटेल की ओर कि भाई इसमें क्या क्या काम हुआ है और जो काम हुआ है वो किस लेवल का हुआ है और जो बॉडी डाली है वो किस लेवल की बॉडी डाली है। तो फटाफट से ना आपको मैं दूर दूर से नहीं दिखाने वाला और यूट्यूबर्स की तरह और वीडियोज में जैसे दूर दूर दिखाते काम, बट मैं आपको क्लोजली दिखाने वाला हूँ कि भाई किसकी क्या क्वालिटी रहने वाली है। आप देखो फ्रंट की प्रोफाइल कुछ ऐसी रहने वाली है, देख सकते हैं इसमें हमारे पूरी बॉडी लाइन जो नहीं दिखाई दे रही है। और बाइक में ना ये लगा लो बिल्कुल भी कोई जज नहीं कर सकता, बाइक की पुरानी है वही मॉडल रहने वाली है जो आई थी। फिलहाल बाइक का लुक जो है वो बहुत ज्यादा जो है एनहांस हो गया, देख सकते हैं यहाँ पूरी ब्रांड न्यू बाइक हो गई है। मतलब कस्टमर जब यहाँ पे आएगा ना बाइक को देखने और लेने तो वो देख के कहेगा भाई साहब मजा आ गया कसम से। तो फटाफट चलते हैं पहले डिटेल में। तो हमने ना पेंट किया है मैट वाला, बहुत ज्यादा बढ़िया देख सकते हैं आप। और अगर बात करें ऊपर की बॉडी लाइन की पेंट जॉब की तो यहाँ आप देख सकते हैं। और मैं कितना क्लियर लूँ, थोड़ा सा और फोकस ले लेते हैं, ये देखो जी। तो फोकस लेने के बाद देखो हर चीज चेक कर लो, कहीं से भी ना कोई भी चीज आपको अनइवन नहीं मिलने वाली, हर एक चीज एक्यूरेट रहने वाली है। पेंट जो बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है और इक्वल पेंट है। देखो यहाँ पे पेंट का कलर देख लो आप, रेड जैसा रहने वाला है, सेम ऊपर देखो यहाँ पे भी सेम रहने वाला है। आप दोनों को देख लो सेम रहने वाला है। इतनी डिटेल में आपको कोई भी वीडियो में ना आपको यूट्यूब पे इतनी डिटेल में नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्टॉक इंडिकेटर मिल जाते हैं, कस्टमर की डिमांड थी कि नए इंडिकेटर डालो। और यहाँ पे हम देखो कौन सी क्वालिटी वाले इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल रहने वाले, जैसे कंपनी के आते हैं ना सेम वैसी प्लास्टिक के यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज करने वाले जो कि सेमी फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं। फुल्ली फ्लेक्सिबल तो नहीं बोलूंगा, सेमी बोलूंगा। इस वजह से ये देख सकते हैं आप कितने कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इधर तो हैंडल बार में सीधा करता हूँ पहले इधर, क्योंकि बाइक के अंदर ना देखो अभी क्या है कि मेन स्टैंड नहीं है इसके अंदर, दैट्स व्हाई हमने इसे साइड पे लगा रखी है। तो मैं अगर यहाँ से चाबी ऑन कर दूँ तो आपको पता था कि इसके अंदर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पिछले वाले पार्ट में कि इसके अंदर बैटरी कुछ भी नहीं है और बहुत बुरा हाल था गाड़ी का। फिलहाल हमने बैटरी डाल दी इसमें 4 LV। और यहाँ देखो जो है क्या नाम है, पुलिस लाइट मिल जाती है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से ऑन ऑफ करूँगा तो यहाँ पे ब्लिंकर स्टार्ट हो जाता है पुलिस का, और मैं यहाँ से इसको आई कर दूंगा तो यहाँ पे देखो जो है लाइट ऑन हो जाती है, देख सकते हैं आप। और भाई यहाँ पे जो है हाई बीम कर दूंगा तो ये हाई बीम हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़िया देख सकते हैं आप। और साथ में इंडिकेटर दूंगा तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है देख सकते हैं आप, इंडिकेटर ऑन हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़िया। बट वही वाली बात है, ये स्टॉक रहने वाला है, ठीक है जी, इसको करते हैं बंद। एंड अगर बात करें वाइजर के पेंट जॉब की तो यहाँ पे आप देखो यार, मैं आपको क्या ही बोलूँगा, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देखो ऊपर की जो ट्यूबलाइट है वो उसमें साफ उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप। क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे काम हुआ है, सेम वही जो है स्टिकर रहने वाले जो वहाँ पे स्टॉक वाली जो इसकी ओरिजिनल वाली में आए थे, सेम वही स्टिकर सेम वही कलर, हर चीज डिट्टो मैच करके यहाँ पे डाली गई है। चारों इंडिकेटर नए। अब बात करते हैं मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल आप देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू रहने वाला है। मतलब रीडिंग हर चीज, मतलब पूरा इसका जो है ना पूरा कंसोल वो हमने नया डाल दिया है, इसमें लॉक सेट नया डाला है यूनो मिंडा का। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क मिंडा का रहने वाला है। यूनो मिंडा और स्पार्क मिंडा है अलग अलग कंपनी, बट है सेम ही, मतलब रिश्तेदारी में ऐसा कुछ बता दें। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर ना हेलोजन बल्ब डले हुए, अगर आप चेक करना चाहोगे तो कुछ ऐसा जो इसका विजन देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप वहाँ पे थ्रो, ये देखो ये पासिंग मारती है भाई, क्योंकि यहाँ पे पासिंग स्विच भी लगा दिया इसमें मिंडा का, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर इसमें कस्टमर की डिमांड होती ना कि भैया वाइट LED डाल दो तो हम LED भी डाल देते, बट स्टिल यहाँ पे जो है हमारे को मिल जाता देखने के लिए हेलोजन बल्ब। और हर चीज़ वर्किंग में। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने मिंडा के ना D95 हॉर्न भी इसमें डाले, तो हॉर्न की एक बार आवाज़ सुन लो। यहाँ पे क्या है, यूनो मिंडा के हॉर्न लगा रखे हैं, देखो आवाज़ सुन लो, हॉर्न हो गए यहाँ पे। और हॉर्न के जस्ट साइड में हमने लगाया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया
क्रोम कलर का देख सकते हैं, बुलेट टाइप का जो होता है अपना लेग गार्ड वो लगा दिया हमने देख सकते हैं। और ये काफी ज्यादा जो है ना हैवी लुक दे रहा है इसमें देख सकते हैं आप, काफी बल्की सा रहने वाला है और फुल प्रोटेक्शन देने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे वाले लेग गार्ड भी हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ से हैंडल बार की, तो हैंडल बार देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल और ब्रांड न्यूज में डाला है हमने हैंडल बार। एंड साथ में यहाँ पे स्पाइडर वाले ग्रिप डाल दिए जो कि हमारी दुकान के सबसे ज्यादा सेल होने वाले ग्रिप है, ठीक है जी, ये हो गए। एंड अगर बात करें नीचे बैठू यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आप पेंट जॉब देखो इंजन का, ठीक है ना, पेंट जॉब देखो आप, बहुत बढ़िया फोकस लेते हैं भाई दोस्तों। तो ये देखो पेंट जॉब काफी अच्छा है। यहाँ पे हमने ना चेन कवर नया डाल दिया, इसके अंदर ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल रही होगी आपको हल्की हल्की। तो यहाँ पर ना ग्रे वाला डाला क्योंकि गाड़ी जो है ना हमारी ब्लैक का रखना था हमें टच, दैट्स व्हाई हमने इसमें ना ग्लॉसी ब्लैक वाला जो है चेन कवर नया डाल दिया है। फुटरेस्ट टूटा हुआ था वो नया डाल दिया यहाँ पे वेल्डिंग कराने के बाद, सारा काम ओके हो गया, चारों फुटरेस्ट में नए डल गए हैं। साड़ी गार्ड इसका रीपेंट कर दिया है, शॉकर ग्लास जो इसके पेंट कर दिए हैं ताकि ब्लैक का टच बना रहे। और यहाँ पे अब बात करूँ मैं साइड के पैनल की, तो आप टैंक को देखो पहले, ठीक है जी, और यहाँ से पैनल को देखो पहले, ठीक है। तो अब क्या सीन है कि दोनों चीज़ें इक्वल दिखाई दे रही हैं, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ पूरे बॉडी पार्ट जो है ना सिमिलर कलर सेम कलर के रहने वाले हैं, हर चीज़ जो है सेम टू सेम रहने वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट आप ले रहे हो तो इसका कलर अलग उसका कलर अलग होगा या उसका कलर उसका अलग होगा, तो ऐसा सीन नहीं है, एकदम एकदम एक्यूरेट रहने वाला है, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे ग्राफिक किट चेक मारो दोस्तों, कितनी बढ़िया रहने वाली है ग्राफिक किट। ये बेसिकली स्प्लेंडर प्रो आती थी ना कुछ वैसी वाली ग्राफिक किट का डिजाइन रहने वाला है। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है ग्राफिक किट। एंड यहाँ पे हमने डाला है इसमें ब्रांड न्यू सीट, पूरा कंप्लीट जो है सीट जो है ना हमने पूरी नई डाली है, कोई इसमें कवर नहीं चढ़ाया कुछ नहीं करा, कंप्लीट सीट नई डाली है इसके अंदर हमने। तो फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं बिल्कुल एस टू एच रहने वाली है, एकदम ओके की रिपोर्ट। अब बात करते हैं इधर टेल पैनल की, तो टेल पैनल की फिट एंड फिनिश देख लो आप, क्वालिटी चेक कर लो। ऊपर आओगे आप तो यहाँ पे आप पेंट जॉब देख लो कितना प्यारा रहने वाला है यार, मतलब मैं कह रहा हूँ ना आपको हर एक चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट करी गई है। कलर आपके सामने है, कंडीशन आपके सामने दोस्तों, आपके सामने एक कॉमेंट बॉक्स भी आ रहा होगा जहाँ पे आपने तारीफ करनी है इस बाइक की, इस बाइक के काम की कि हाँ भाई कैसा काम हुआ कैसा नहीं। यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट भी डाला है, ठीक है ना, एग्जॉस्ट की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। तो गाइस अभी क्या है कि हमारी बाइक के अंदर ना हमने पेट्रोल नहीं डाला है, मेरे को भी याद आया क्योंकि इसके अंदर ना पेट्रोल नहीं है, क्योंकि अभी नया सेटअप डाला है ना तो अभी इसमें पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डालेंगे इसके अंदर कल सुबह जब कस्टमर लेने आएगा। और इसी वीडियो में कस्टमर का फीडबैक दिखाऊंगा आपको मैं कि क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है बाइक को देखने के बाद, हालांकि मालिक गला सूख गया कसम से भाई। हाय, तो फाइनली भैया आ चुके हैं हमारी शॉप पे बाइक को लेने, तो उनसे लेते बाइक का रिव्यू भाई कैसा काम हुआ है कैसा नहीं। भैया क्या हाल चाल है? कहाँ से आए थे यार आप? मैं आया था गुड़गांव से। गुड़गांव से आए थे, कैसा काम हुआ बाइक के बारे में बताओ। बढ़िया काम, अच्छा काम हुआ था, इस कंडीशन में लाया थी नहीं था। बस जैसे ही आप लेके आए थे तो वो बड़ी बॉडी आपका सामान वो पड़ा हुआ दिख सकते हैं आप, लेकिन ये वैसी है ना अब शोरूम कंडीशन हो गई। कितने नंबर देने जाओगे? 10 में से 11 दोगे? चलो सही है भाई, कहीं से कोई कमी हो कहीं पे कुछ रह गया हो कुछ काम वाम सब ओके? मतलब जो सोच गए थे वैसे काम हुआ है? उससे ज्यादा ही हुआ है। उससे ज्यादा ही हुआ है। चलो बढ़िया है। और गुड़गांव में कोई पूछेगा भाई तो रिकमेंड करोगे शॉप? हाँ जरूर करेंगे। चलो सही है भाई। और भाई जनता जो देख रही है इस टाइम वीडियो, इनसे क्या बोल जाओ? करो नहीं लाइक और शेयर, ठीक काम के बारे में बताओ। भाई के पास आओ काम करवाने, इतना अच्छा और भाई मतलब फ्रेंडली भी है, फ्रेंकली भी है, अच्छे है, बाकी काम देख के तो और अच्छा लग रहा है। सही है, मतलब सेटिस्फाइड हुआ? अब सेटिस्फाइड है, बट अब रेट डिस्कस कर ले भाई से एक बार। थोड़ा सा रेट तो देखो यार, ये कि काम इतना सारा हो गया इसके अंदर, पूरी नई होगी गाड़ी, मतलब शोरूम कंडीशन होगी गाड़ी, छोटा मोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो बाकी काम में कोई कमी नहीं है? नहीं नहीं काम में कोई। चलो सही है भैया, थैंक यू सो मच यार, लेके आया आप काम कराने के लिए, अच्छा लगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, ये बाइक अच्छी लगी होगी, काम अच्छा लगा बताना कमेंट सेक्शन में मुझे। एंड अगर बात करें शॉप के बारे में, तो शॉप रहने वाले दिल्ली कालका की डीडीए फ्लैट में, सारी डिटेल मिल रही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, कॉन्टैक्ट कर लो। बाकी रही बात बॉडी लाइन की, तो बॉडी लाइन आपको किसी भी बाइक की चाहिए हो नंबर पर कॉल करो, बता दो कि भैया ये वाली बाइक की बॉडी चाहिए, चाहे स्कूटी हो चाहे आपकी बाइक हो, सबकी यहाँ पे बॉडी अवेलेबल हो जाती है इजीली, नई भी होती तो करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी